सिंगरौली की मोरवा पुलिस को सोलर ऊर्जा से संचालित सरकारी योजनाओं की सोलर प्लेट चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने गिरोह के अपराधियों को 4 बैटरी और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजारों के साथ गिरफ्तार किया है। चोर गिरोह से जब्त किए गए सामान की कीमत 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। मोरवा पुलिस ने बताया कि गिरोह द्वारा नगर निगम का अधिकारी बताकर लगातार इस क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से संचालित सरकारी योजनाओं को अपना निशाना बनाया जा रहा था। हाल ही में गिरोह द्वारा मोरवा थाना अंतर्गत अजकुड़ में सौर ऊर्जा से संचालित सरकारी योजना के सोलर प्लेट की चोरी कर ली गई थी। इस मामले में आरोपी राहुल पाल दिनेश प्रजापति को 4 बैटरी व बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों से गिरोह के दूसरे सुराग खंगालने की कोशिश भी की जा रही है। अजगुड़ गांव से सूचना मिली थी कि बैटरी चोरों को 2 लोगों को पकड़े हैं, बैटरी चुरा के लेकर भागते हुए। तो प्रकरण पूरा इस प्रकार ये है कि रामलाल सिंगोड़ अजगुड़ के हैं। ये घर से कहीं काम करने चले गए थे, घर में छोटे छोटे बच्चे थे, 2 लड़के गए, एक करेला का है राहुल पाल और एक दिनेश प्रजापति करेला का है और राहुल पाल वहां का बरवानी का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।